everyone, let's start with today's video. Today we are going to talk about polyembryo. ये आपके second chapter का ही last topic है. So polyembryonic condition. Poly मतलब ही होता है many, many embryos वाला condition. So it is the phenomena of more than one embryo in one seed. एक seed के अंदर जब एक से ज़्यादा embryo होते हैं, उसको हम polyembryonic state कहते हैं. जैसे अनियन, ग्राउंडनट, इन सब केसेस में, सिट्रस, इन सब के केसेस में ही देखने को मिलता है. अब ये जो पॉलीएम्ब्रियोनी है, ये दो टाइप के हो सकते हैं. सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी, एडेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी. सिंपल में मोर एम्ब्रियो ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन वन एग. एक एग से ज्यादा अगर एग प्रेजेंट हो और वो फर्टिलाइज हो जाए तो उस कंडीशन को सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं. एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियो थ्रू स्पोरोफाइटिक सेल्स. इसके केस में क्या होता है, जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके बाहर वाले जो सेल्स होते हैं, अगर वो एम्ब्रियो बनाते हैं तब उसको एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं. स्पोरोफाइटिक सेल्स, स्पोरोफाइटिक टिश्यूज का मतलब ही होता है ये जो न्यूसेलर, इंटीग्यूमेंट, इन सब की बात की जा रही है. सो ये स्पेसिफिकली एग सेल के बारे में बात हो रही है कि अगर एग एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनाए और इसका एग के अलावा अगर कोई और एम्ब्रियो बनाता है स्पोरोफाइटिक सेल्स में से, उसको हम एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं. फर्स्ट इट वाज रिपोर्टेड बाय लिवेनहॉक इन ऑरेंज सीड. ऑरेंज सीड में उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि सिट्रस है, सिट्रस में बहुत केसेस देखते हैं हम लोग कि पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन होता है. सो सबसे पहले लिवेनहॉक ने ऑरेंज सीड में पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन को फाइंड आउट किया था. उन्होंने रिपोर्ट किया इसके बारे में. मोर कॉमन इन जिम्नोसम्स. तो ये जो पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन है जिम्नोस्पर्म्स में बहुत कॉमन है एज कम्पेयर टू द एंजियोस्पर्म्स. सो एंजियोस्पर्म्स लाइक सिट्रस, मैंगो, हियर वी कैन इजीली फाइंड दिस केस. नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी, फॉल्स एंड ट्रू. फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है अगर एक सीड के अंदर यू नो वन मेगास्पोर मदर सेल will make four megaspore and four में से तीन जो है वो degenerate हो जाते हैं और एक embryo sac बनाता है. So generally it is one embryo sac present, but अगर एक से ज्यादा embryo sac हो और उन embryo sac के अंदर उनके अपने अपने egg cells हो जो कि fertilize होके embryo बनाए, that case is called false polyembryony. More than one embryo arise in different embryo sac. तो different embryo sac के अंदर अलग अलग embryo बनेंगे, that is the false polyembryony condition. True polyembryony condition मतलब एक ही embryo sac के अंदर एक से ज्यादा embryo मिलेंगे, that is called true polyembryony in same embryo sac. So यहाँ पे different embryo sac है तो false, और same embryo sac है, it is true polyembryony. पॉलीएम्ब्रियोनी के कॉजेस क्या है, क्यों हो रहा है पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन. वन इज क्लीवेज ऑफ प्रो एम्ब्रियो. आपको याद होगा तो मैंने जब भी डाइकॉट प्लांट्स का डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया कि इस तरीके से जो होता है दैट इज द प्रो एम्ब्रियो और उसके नीचे सस्पेंसर है. सो ये जो प्रो एम्ब्रियो है इसमें क्लीवेज हो जाए और एक प्रो एम्ब्रियो से दो प्रो एम्ब्रियो हो जाए, तीन हो जाए, उसकी वजह से भी पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है. ये ऑर्किडेसी फैमिली होती है ऑर्किड प्लांट्स की, उनके केस में होता है. डेवलपमेंट ऑफ मेनी एम्ब्रियो फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन एग. एग के अलावा एम्ब्रियो सैक में एंटीपोडल सेल्स होते हैं, सिनर्जिड सेल्स होते हैं, तो एग के अलावा अगर कोई और सेल एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगा तो उसकी वजह से भी पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन हो सकती है. सो डेवलपमेंट ऑफ मेनी एम्ब्रियो फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक आर्जुमिन के केस में होता है. देन प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक जो कि फॉल्स एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक होगा तो ऑब्वियसली एक से ज्यादा एम्ब्रियो भी होगा. देन लास्ट वन इज मेनी एम्ब्रियो ड्यू टू अदर सेल्स आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक जो कि एपोमिक्सिस में पड़ा था एंड इसको हमने बोला एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी. तो एपोमिक्सिस में भी तो यही तो हो रहा था कि अगर एम्ब्रियो जो है कोई और सेल्स बनाए
तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बना, बट उसके अलावा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो एम्ब्रियो बन रहा है दैट इज इन एपोमिक्सिस। तो सेम एपोमिक्सिस की वजह से ये पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन आ सकती है। सो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक के अलावा न्यूसेलर सेल, इंटिग्यूमेंट सेल, मेगास्पोर मदर सेल, अगर ये एम्ब्रियो बनाएंगे तो उस केस में भी ये होगा पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। सो दीज आर द फोर मेजर रीजंस व्हाई पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन इज कमिंग इन एनी प्लांट। देन एपोमिक्सिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन इज कमिंग। सो दिस इज व्हाट द बेसिक थिंग। अब मैं कुछ स्पेसिफिक केस बता रही हूँ जिसमें किस तरीके से एक प्लांट के अंदर कितने पॉली एम्ब्रियोनिक कौन कौन से सेल्स बनाते हैं। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो स्पेशल केस है एलियम ऑर्डरम के केस में। इस केस में इन दिस प्लांट यू विल फाइंड एक सीड के अंदर देयर आर 5 एम्ब्रियोज। अब वो एम्ब्रियोज, एक एम्ब्रियो जायगोट वाला होता है जो डेवलप होता है, एक सिनोजिट से होता है, दो एंटीपोडल से होते हैं और एक इंटीग्यूमेंट से होते हैं। सो ये एक स्पेशल केस है कि यहाँ पे इतने सारे पार्ट्स जो है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। नाउ सिट्रस आंसियो के केस में अगर हम देखें तो मैक्सिमम एक सीड में 40 जितने एम्ब्रियो होते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी स्पेशल केस, प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंट बिकॉज जेनेटिकली यूनिफॉर्म पेरेंटल टाइप सीडलिंग्स। इसके केस में क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट क्योंकि जो भी सीडलिंग्स बनते हैं वो पेरेंट प्लांट के सिमिलर होते हैं। बिकॉज इफ यू सी कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, दिस डायग्राम इज ऑफ सिट्रस और उनका ये एम्ब्रियो सैक है, ये दो इंटीग्यूमेंट्स है एम्ब्रियो सैक के। यू सी द इंटीग्यूमेंट माइक्रोपाइल एंड, ये जो जायगोटिक एम्ब्रियो होता है। दिस एम्ब्रियो, ये न्यूसेलर, यहाँ पे न्यूसेलर सेल्स होते हैं उससे ये एम्ब्रियो बना है। ये इंटीग्यूमेंट्री एम्ब्रियो है एंड दिस वन इज द एंडोस्पर्मिक पार्ट। सो दिस इज हाउ द एम्ब्रियोज आर प्रेजेंट। नाउ प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंट बिकॉज जेनेटिकली, तो यहाँ ये जो एम्ब्रियो बनाएगा ये प्रैक्टिकली सिमिलर होगा पेरेंट प्लांट से। न्यूसेलर एम्ब्रियो, तो ये बोल रहे हैं कि जब अगर हम न्यूसेलर एम्ब्रियो की बात करते हैं स्पेशली, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज न्यूसेलर एम्ब्रियो ये ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू द वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जो प्लांट्स बनाते हैं उससे। ये जो न्यूसेलर एम्ब्रियो डेवलप होकर सीडलिंग्स बनाता है वो ज्यादा प्रॉपर होता है। वाई? बिकॉज इट इज हैविंग द डिजीज रेजिस्टेंट कैरेक्टर, ये ज्यादा सुपीरियर है और ये बहुत टाइम तक सुपीरियर कैरेक्टर को मेंटेन रखते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वाई पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर व्हाट वी हैव रेड कि पॉली एम्ब्रियोनिक के पीछे बहुत रीजन हो सकते हैं, या फिर एम्ब्रियो सैक के सेल्स या फिर एम्ब्रियो सैक के बाहर के सेल्स भी एम्ब्रियोनिक कंडीशन, पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन बना सकते हैं। एंड ये फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूसेलर एम्ब्रियो जो है इट इज हैविंग सुपीरियर कैरेक्टर्स, डिजीज रेजिस्टेंट होता है और ये ज्यादा टाइम तक अपने कैरेक्टर को बहुत जनरेशन तक वो मेंटेन रखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 2। नीड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एपोमिक्सिस, पॉली एम्ब्रियोनिक, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस, ये सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम वेरी केयरफुली। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड बी सेफ।